हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की आशीष, प्रभु की भलाई एक और बार हो। आज हम चैप्टर 41 पढ़ेंगे यहेजकेल का। जैसे कल हमने पढ़ा था चैप्टर 40, और चैप्टर 40 में बहुत सी बातें थी, पर मंदिर की देखभाल, मंदिर कैसा होगा, भवन कैसा है, भवन में कहाँ क्या है, उसके बारे में डिटेल थी। चैप्टर 41 इज ऑलमोस्ट द सेम। इट्स टॉक्स अबाउट, बात कर रहा है भीतरी आंगन और मंदिर का भवन, जो कि चैप्टर 40 से कंटिन्यू है चैप्टर 41 में। एंड पांचवी आयत से मंदिर की कोठरियाँ कैसी थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि मंदिर में याजक ही सब कुछ काम संभालते थे। जो द्वारपाल थे वो भी लेवी थे, लेवी के घराने के थे, और वो याजक मंदिर के अलग अलग भागों की देखभाल करते थे। अगर आपने देखा है तो बहुत सारी जगहों पर आज भी जो बलियाँ चढ़ाई जाती हैं मंदिरों में, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से, यानी कि ब्राह्मण ये सब काम करते। जब कहते कि ब्राह्मण कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम मांस मच्छी नहीं खाते, पर कुछ मंदिरों में ब्राह्मण ही हैं जो कि ये सब कुछ करते हैं, चढ़ाते हैं, जानवरों को वध किया जाता है। वेल, पीपल सेज अबाउट इट। फोर जो वेदाज हैं, उन चार वेदों में से एक वेद में बलियों के बारे में बहुत डिटेल में है, एक वेद मंत्रों के बारे में बातचीत करता है, एक वेद छोड़ो, अच्छा नहीं, आई डोंट लाइक टू टॉक मच अबाउट दैट। और इसके बाद पाँच पद से लेकर आप यहाँ पर 11 पद तक देखेंगे तो मंदिर की बाहरी कोठरियाँ, उसके बाद 12 पद में पश्चिम की ओर का भवन लिखा है। 12 पद में फिर जो भवन मंदिर के पश्चिम ओर के सामने था वह 70 हाथ चौड़ा था और भवन के आसपास की दीवार 5 हाथ मोटी थी और उसकी लंबाई 90 हाथ की थी। नाउ विद दिस यू नो नंबर, आप समझ सकते हो कितना चौड़ा कितना होगा। सम पीपल आस्क मी, आपका स्टूडियो का हॉल का साइज़ क्या है, तो मैं कहता हूँ 20x20 का, जहाँ पे हम शूटिंग करते हैं, और रेडियो स्टूडियो जो है वो 12.5x14 का। सो दे सेड ओ अच्छा, ये साइज़ है, नाउ दे कैन अंडरस्टैंड, है ना, तो इसीलिए ये मायने रखता है। इसके बाद 13 पद से लेकर 15 पद तक मंदिर की संपूर्ण माप कितनी है। तब उसने भवन की लंबाई माप कर 100 हाथ की पाई और दीवारों समेत आंगन की भी लंबाई माप कर 100 हाथ की पाई। भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन 100 हाथ चौड़ा था। फिर उसने पीछे के आंगन आंगन के सामने की दीवार की लंबाई, जिसके दोनों ओर छज्जे थे, माप कर 100 हाथ की पाई और भीतरी भवन और मंदिर के ओसारों को भी मापा। आप सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। फिर 16 पद में मंदिर की सजावट, लकड़ी की वेदी और पवित्र स्थान के द्वार, इनको आप पढ़कर समझ सकते हो। एंड यू कैन एटलीस्ट गेस द आइडिया हाउ बिग वाज दैट टेंपल, वो भवन कितना बड़ा था, क्या था, देन यू कैन गेट आउट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, समटाइम मे नॉट बी, कुछ लोग बारी अच्छा ना लगे, पर आज मैं चाहता हूँ कि आप बैठकर प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछे कि प्रभु इस भाग से तो मुझे क्या सिखाना चाहता है। आई एम श्योर हर एक के लिए परमेश्वर का एक अलग प्रकाशन है और आपके लिए भी होगा। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी आशीष तेरे लोगों पर हो, फलवंत और बलवंत कर। यहेजकेल की पुस्तक जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें प्रभु हर अध्याय से प्रभु कुछ ना कुछ सीखने को प्रभु तू हमें देता है। मेरे भाई बहन जो संगति कर रहे हैं, इन्हें फलवंत कर, बलवंत कर, आशीषों से भर दे, तेरी योजनाओं से चला, इनके परिवार की जरूरतों को तू पूरा कर, सुरक्षा दे, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। प्रभु मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, उसकी भलाई प्रकट हो, पवित्र शास्त्र आपके जीवन में पवित्रताई को ले आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे, कोने कोने के चेहरे, इस देश के चेहरे, उस देश के चेहरे, चेहरा कोई भी हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही होती है।